गुड मॉर्निंग सभी, कैसे हो आप। आज हम पढ़ रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 आकलन 1। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नए नए वीडियो मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं आकलन 1, पेज नंबर 96 सीन में। पहला है, स्थानीय मान को देखें और संख्या बनाएं। के 8 सैकड़ा प्लस 3 लाख प्लस 2 दहाई 43,000 और 5 इकाई। तो अपन इकाई का अंक पहले लिखते हैं, 5 इकाई 2 दहाई 8 सैकड़ा 43,000 और 3 लाख। ये संख्या हो गई 3,43,825। ख 5 इकाई 2,29,000 और 5 दहाई। तो इकाई में अंक है 5 इकाई, दहाई में है 5, सैकड़े में कुछ नहीं है तो 0, हजार में है 29 और लाख में है 2। 2,29,055। गे 45,900 8 इकाई और 7 दहाई। तो इकाई पहले लिखेंगे 8 इकाई, फिर लिखेंगे 7 दहाई, 7 9 45,000, ये 45,978। गे 3 दहाई 900 140,000 और 9 इकाई। तो इकाई पहले लिखेंगे 9 इकाई, दहाई में है अपने 3, सैकड़े में है अपने 9, हजार में है 40,000 और लाख में है 1। तो ये हो गया 1,40,939। प्रश्न नंबर 2, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही का मतलब होता है सबसे छोटा पहले। के 6,70,909, 6,70,209। इसमें देखिए 670 यानी 6,70,000 सभी में है, तो आगे वाली संख्या देखनी है अपने को। तो 6,70,000 के बाद सबसे छोटा कौन सी संख्या है, तो 6,70,090 पहले आएगा, 6,70,090 ये एक नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा दो नंबर पे, ये 3, ये 4 और ये 5 पे आ जाएगा। दो नंबर पे कौन सा लिखा अपन ने, 6,70,209, ये 3 पे 6,70,543। बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। 4 पे आ गया 6,70,545 और 5 नंबर पे आ जाएगा ये 6,70,909। उसी प्रकार इसमें देखिए छोटा कौन सा पहले है, इसमें देखिए 550 सभी में है, 550। इसके बाद देखिए आगे की, तो इसमें देखिए ये सबसे छोटा है, 5,50,402, 403, 405 3 नंबर पे, और 501 4 पे, और ये 5 पे। एक नंबर पे है 5,50,402, 5,50,403, ये सभी ऐसे कैसे ही नीचे आ जाएंगे, 5,50,405, 5,50,501, 5,50,505। गए 4,12,300, 4,12,302, 4,12,301, 4,13,202 और 4,21 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000। इसमें देखिए 42,00,000 है, 42,10,302 इकाई दाई सैकड़ा। इसमें देखिए इसमें 7 अंक हैं, बाकी इनमें 6 6 है। तो इनमें सबसे छोटा है
301, फिर 302, पहले 300 आएगा, फिर 301, 302 और 413, ये आ जाएगा चार नंबर पे और ये आ जाएगा पाँच पे, 4 12 301 4 12 302 4 13 202 42 10 301। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। सबसे बड़ी देखना, इसमें सब में 6 अंक हैं, 6 अंक समान हैं, जिसका पहला अंक बड़ा है वही सबसे बड़ी है। तो ये सबसे पहला अंक सबसे बड़ा है, इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 96,000, 4,000, 9,64,409, 9,64,409, ये बड़ी है, इस पर गोला लगाना। दूसरा देखिए, इसमें पहला अंक इसमें बड़ा है 9,77,079, तो ये संख्या सबसे बड़ी। प्रश्न नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है, इसमें सबसे छोटी, जिसका पहला अंक सबसे छोटा वो सबसे ही छोटी होगी। इसमें देखिए, इसमें 7, इसमें 7, और इन दोनों को देखें अपन, ये है 7,07,806, 7,15,432, तो ये वाली, ये वाली हो गई अपने छोटी। गे देखिए, इनमें देखिए, ये सबसे छोटी लग रही है, 2,78,698, बाकी सब बड़ी है, 5,67,000, 7,79,000, तो 2,78,698 सबसे छोटी है। 5 नंबर, दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ी अपने को, अवरोही का मतलब सबसे बड़ी पहले लिखनी है, फिर छोटी छोटी और छोटी। तो -15 डिग्री, -37, 54 डिग्री, 54 डिग्री इसमें पहले आ जाएगा एक नंबर पे। दो नंबर पे आएगा इसमें -2 डिग्री, तीन नंबर पे आएगा -15 डिग्री, -87 डिग्री और 100 डिग्री आएगा लास्ट में। तो इसको भर लेते हैं, 54 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -15 डिग्री सेंटीग्रेड, -87 डिग्री सेंटीग्रेड और -100 डिग्री सेंटीग्रेड। खैर, 121, -171, 711, 171 और 117, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है 711, ये पहले आ जाएगी, 711 एक नंबर पे होगी। इसके बाद होगी 711 के बाद होगी 171 होगी, इसके बाद होगी ये तीन नंबर पे 121, चार पे होगी 117, लास्ट में आएगी -171। 711, इसके बाद होगी 171, 121, 117 और -171। ये था आकलन 1, पेज नंबर 96। धन्यवाद।